रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एक माइक्रोवेव जनरेटर है जो कि आर फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। ये सिर्फ सिंगल कैविटी से होता है। इसमें एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। ये इलेक्ट्रॉन गन है जो एज ए कैथोड वर्क करती है। और ये है हमारा रिपेलर यानी कि रिफ्लेक्टर, जिसमें हम इसमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने का काम करता है। इसमें एक ही कैविटी का यूज़ करते हैं जो कि एज ए एनोड वर्क करती है। और जब हम अपनी वैक्यूम ग्लास ट्यूब को सप्लाई देते हैं तो हमारा रिपेलर जिस वोल्टेज से कंबाइन होता है उसे हम रिपेलर वोल्टेज कहते हैं, जो होती है VR। और हमारी जो इलेक्ट्रॉन गन जिस वोल्टेज से कंबाइन होती है उसे हम एनोड वोल्टेज कहते हैं, जो होती है VA। एनोड वोल्टेज का यूज़ हमारे इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई देने का काम करते हैं और एनोड की तरफ मूव करवाने का काम करते हैं। जब हम इसमें से सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन गन स्प्रेड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, और हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिपेलर की तरफ मूव करते हैं तो रिपेलर पे हाई नेगेटिव पोटेंशियल होने के कारण रिपेलर वोल्टेज की वजह से वो रिपेल करते हैं और मूव बैक करते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड कैविटी की तरफ मूव करते हैं। एनोड वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ट्रैक प्रोवाइड करती है जो कि कैविटी की तरफ मूव करवाने का काम करती है। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड कैविटी की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट सिग्नल मिलता है जिसको हम स्पेस में सेंड करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैविटी से इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए हैं, कैविटी से पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अर्ली इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और जिस टाइम जो कैविटी में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लेटर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो हमारी एनोड वोल्टेज होती है उसका यूज़ स्विचिंग वोल्टेज की तरह भी किया जाता है जो कि इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके एप्पल के डायग्राम के बारे में बात करें, जब हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं तो एक एसी वोल्टेज जनरेट होती है क्योंकि एसी पे वर्क करता है एप्पल। ये हमारे जो हमारे अर्लियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि गन इलेक्ट्रॉन गन की थ्रू सप्लाई होते हैं, उस टाइम पर ये पॉजिटिव हाफ में शो करते हैं। और ये हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है जो हमारे कैविटी की तरफ मूव करते हैं, और ये होते हैं हमारे लेटर इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे कैविटी के बाद हमारे ट्यूब में मूव करते हैं। और हमारे जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होता है हमारा वो होता है 1.3/4 का। ये इसका एप्पल गेट डायग्राम है, लेकिन अगर हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए होती है तो हमें वोल्टेज भी ज़्यादा ही प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम T=N+3/4 से डिनोट करते हैं। N हमारा 2, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। और ये इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर हम रिपेलर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और एनोड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे लार्ज पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है। और सबसे पहले ये 5+3/4 पार्ट मिलता है। जैसे जैसे हम अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारा पार्ट 4+3/4, 3+3/4, 2+3/4, 1+3/4 मिलता है, और इस तरह हमें अपनी आउटपुट मिलती है। ये इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हमें ज़्यादा एफिशिएंट आउटपुट पाने के लिए हमें अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है। ये था हमारा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन।